दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर के फ़ैन हैं, उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़े, तब वो खौफनाक नज़ारा देखकर तो डरना दूर। वहां मौजूद राहुल से लेकर गेंदबाज, यहां तक कि खुद पवेलियन में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। तो आखिर क्यों रोहित अपने गेंदबाज पर ही भड़क गए? आखिर गुस्से में उन्होंने ऐसा क्या किया कि मजाक में अपने ही गेंदबाज पर हाथ उठाने की भूल कर दी? उस खतरनाक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है महान बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। भारतीय गेंदबाज, खास तौर पर वाशिंगटन सुंदर ने उनकी हालत बिगड़ी रखी थी, लेकिन तभी एक विकेट के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर में ऐसी बहस हो जाती है कि गुस्से में या कहें मजाक में रोहित शर्मा मुक्का बनाकर अपने गेंदबाज को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये खौफनाक लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम, हर कोई तंग रह जाता है और ये लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल पारी का 33वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जनित लियांगे के खिलाफ टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया, लेकिन तभी लियांगे ने एम्पायर के फैसले का विरोध करते हुए रिव्यू का इस्तेमाल किया और रिव्यू में पता चला कि गेंद उनके बैट या दस्तानों पर नहीं बल्कि उनके कोहनी पर लगकर विकेटकीपर राहुल के हाथों में गई थी, इस कारण उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये देखकर तो रोहित काफी भड़क गए, उन्हें एम्पायर का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर ने ऐसी हरकत करी कि रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। जी हाँ, सुंदर तो रोहित शर्मा से ही बहस करने लगे और उनसे एक बार फिर रिव्यू लेने के लिए कह दिया। बस यही बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा तो हाथों से मुक्का बनाकर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वो गुस्से में नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो मजाकी अंदाज में सुंदर को कह रहे थे कि चुपचाप बॉलिंग कर, नहीं तो यही मौका तुझे पड़ेगा। रोहित का ये रिएक्शन देखकर तो सुंदर भी चुपचाप बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कप्तान रोहित का ये शानदार अंदाज देखकर तो वहां मौजूद थे और राहुल से लेकर कमेंटेटर, यहां तक कि पवेलियन में बैठे खुद हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। जहां अपने दिलदार स्वभाव और मजाकी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया, जहां ये लम्हा लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।